नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल देव में। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ किसान भाइयों, इस न्यूज़ से संबंधित अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप गूगल पे जाके एमपी किसान को पिछले साल का फसल बीमा अक्टूबर में मिलने की संभावना है सर्च कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि किसानों को कब तक फसल बीमा मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। कृषि विभाग एवं बीमा कंपनियां पूर्ण जोर कोशिश में लगी हुई है कि पिछले वर्ष का बीमा किसानों को अक्टूबर में ही मिल जाए। इसके लिए जो त्रुटियां से उन्हें दूर किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले साल अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन, अरहर सहित अन्य फसलों बीमा की राशि किसानों को अक्टूबर में मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को प्रकरण बीमा कंपनियों को भेज दिए हैं। अब राजस्व विभाग के साथ फसल नुकसान की जानकारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके आधार पर बीमा कंपनियां फसल के बीमा के प्रकरणों को अंतिम रूप देकर बीमा का भुगतान करेगी। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। दूर की जा रही है त्रुटियाँ। आयुक्त भू अभिलेख ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि डाटा एंट्री में जो त्रुटियाँ हुई थी उनका कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर परीक्षण किया जा रहा है। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस माह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर बीमा कंपनियों को प्रकरण को अंतिम रूप दे देगी। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में 43 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वाधिक था। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। और एक और बात बता दें, किसान भाइयों, फसल बीमा से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।